सपना देखो होगा पूरा। तो भैया एक ऐसा ही सपना देखा उत्तर प्रदेश में रहने वाले बुलंदशहर जिले के छोटे से गांव के लड़के ने यूट्यूबर बनने का, जिसका नाम है अंकुर। तो भैया कहानी स्टार्ट होती है 2020 से, जिस लड़के ने 10th पास करने के बाद यूट्यूब पे वीडियो बनाने के बारे में सोचा। अब भैया यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले बात आती है कैमरा की। तो कैमरा तो उसके पास है नहीं और ना ही फोन है, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्तों के साथ वीडियो बनाना स्टार्ट करूं। अब उसने पूरे 2 साल दिल लगाकर मेहनत की, कभी कॉमेडी वीडियो, कभी व्लॉगिंग वीडियो, तो कभी कुछ, कंटिन्यू वह लगातार वीडियो बनाता रहा। लेकिन कुछ हासिल ना होने के कारण सब छोड़कर चले गए। मेरे को उस टाइम कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने इसीलिए YouTube पे वीडियो बनाना बंद कर दिया। कुछ टाइम बाद मैं बाहर कमाने चला गया। मैंने सोचा मेरे को वहां से जो भी पैसा मिलेगा मैं एक अच्छा सा कैमरा लूंगा या फिर फोन लूंगा। लेकिन वहां मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। 2 महीने वेस्ट करने के बाद भी मैं वापस आ गया और मैं 2022 में भी आज ऐसा का ऐसा ही हूँ। मेरे पास ना कैमरा है और ना ही फोन है। और भैया अब आप सोच रहे होंगे मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये कैसे बना रहा हूँ, तो मैं बता दूँ ये जो वीडियो शूट हो रही है मैं अपने दोस्त का फोन मांग कर लाया हूँ, उसी से वीडियो बना रहा हूँ। पर भैया YouTube ने हमें एक चीज जरूर सिखा दी कि आज की डेट में जिसके पास पैसा है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। अब बात आती है सपना देखो होगा पूरा। सबसे पहले बात तो ये है कि पीसी की मुझे क्यों जरूरत है। अगर मुझे पीसी मिली मेरी वीडियो एडिटिंग अच्छी हो जाएगी, जो मेरा सपना है यूट्यूबर बनने का, ब्लॉगर बनने का, वो पूरा हो जाएगा। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा दिल्ली का लड़का अपने भाई को। और हाँ भैया मैं एक बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि लाइफ में ना सपने बड़े से बड़े देख लेते हैं, क्या पता आगे चल के पूरे हो ना हो, लेकिन उन सपनों को देखकर हमें 1 मिनट की खुशी तो मिल रही है ना, तो हमारे लिए वही काफ़ी है। तो इसीलिए सपने ना बड़े से बड़े देखने चाहिए। तो थैंक्स फॉर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टाटा बाय बाय।